तुम लोग क्या लफड़ा कर रहे हो इधर, चलो चलो खत्म करो चलो। हेलो सत्य भाई, मैं बादशाह बोल रहा हूँ। अरे बादशाह भाई कहाँ रह गए हो तुम? बादशाह भाई तुम फिक्र मत करो, तुम इधर आ जाओ, हम बच्चे की जान अपनी जान देकर भी बचाएंगे। तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आता हूँ अभी आता हूँ मैं। हाँ ए ऑटो। बादशाह का फोन था? नहीं मेरे दोस्त का। क्यों रो रहा है बे? तेरा बाप मर गया क्या? सच सच बता, बच्चा किधर है? मैं सच बोल रहा हूँ यादव भाई, मुझे नहीं मालूम। ए लगड़े, तू कब से सच बोलने लगा रे? सच सच बता, बच्चा किधर है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। बता। मुझे नहीं मालूम यादव भाई, नहीं मालूम यादव भाई। बता, सच बता, बच्चा किधर है? बच्चा किधर है बोल, ये बच्चा किधर है बता। अबे तेरे को हजार बार बोला मुझे नहीं मालूम। ये ऑटो जल्दी कर पीछे ले। आपने एक छोटे बच्चे को देखा यहाँ पे? नहीं, अरे मैं यही छोड़ के गया था। हमने नहीं देखा, रात को ही मैं छोड़ के गया था। ए, बच्चा किधर है बोल? नहीं मालूम। ज्यादा होशियारी मत कर, उधर देख। ए, देखता क्या है बोल? चल इसको लेके चल। बादशाह नाम के आदमी ने मोहम्मद मसूर नाम के आदमी की हत्या जानबूझकर सोच समझ कर की, ये साबित होता है, इसलिए अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। अरे भाई साहब, दो दिनों से कुछ खाया नहीं, भगवान के नाम पर, बच्चे के नाम पर कुछ दे दो। छोटे मालिक शंकर भैया। बच्चा किधर है? बच्चा तो नहीं मिला, पर इन दोनों को पकड़ के ले गया है। इसको सारू, इसको लेकर मैं क्या करूं? क्या करूं? बच्चा किधर छुपाया रे? रामी, बच्चा किधर है बोल? अरे बोल ना, बच्चा किधर है? बिहारी, तुझे अंदर काट दूंगा, बोल। बोल तू साले, बिहार से आकर मुंबई में फाड़ खाता है ना? हाँ, अब मार खा मुंबई में। बोल बच्चा किधर है? बोल ना बच्चा किधर है? ये बेवकूफ, खाना खाता है ना हमारा कुत्ता? हमारा कुत्ता हम पर भोके? चल पत्थर पकड़, पत्थर पकड़ पकड़, पत्थर देखता है क्या? पकड़ पकड़ साले, पकड़ चलते, मुंह खोल, खोल मुंह, पकड़ पकड़। नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं 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 मत कीजिए, नहीं नहीं। मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए।
सुनो, ये एरिया खाली करके चले जाओ। आज से ये इलाका पूरा मुनीर भाई का है। क्या चाहिए तुमको? इडली वड़ा? अरे इडली वड़ा कुछ नहीं मौसी, अपनी मीठी आवाज में चार लाइन गा दो। तो सुनो, मेरे पिया, अरे वाह, मेरे पिया गए रंग, वहाँ से किया है टेलीफोन। क्या रे, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? आपने हिंदी में बोला ना, अभी भोजपुरी में बोलो। भोजपुरी में बोला था, ये जमीन आज से मुनीर भाई के है। आज राती के राती जमीन खाली करते ही आप चले जाइए, समझ लो। अरे आजकल लंबे लंबे बालों का स्टाइल नहीं है, छोटे छोटे बालों का स्टाइल है, समझा क्या? पद्मा देवी, इडली आज की है ना? अरे आज की नहीं, ये तो परसों की है। क्या रे, ये लोगों को भोजपुरी नहीं आती क्या? क्या रे, तेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्या? कौन है ये मुन्ना? दर्द हो रहा है? जब तुझे इतना दर्द हो रहा है तो ये तो बच्चा है, इसको कितना दर्द हो रहा होगा? कौन है तू? तेरा बाप। आज के लिए मैं तेरे और तेरे आदमियों के लिए बाप। छोड़ 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 मेरे को, छोड़। ए, मार डालूंगा साले, मार डालूंगा तुझे। ए, मेरी दो बातें कान खोलकर सुन लो। नंबर वन, आइंदा कभी इधर आसपास भी नजर आए ना तो परिवार बनाने के काबिल नहीं रहोगे। नंबर टू, बाद में बताऊंगा, अभी तुम लोग यहां से जाओ, जाओ। ए, मारो से!
ऐसा कोई ना और यहाँ है, जाऊँ मैं जहाँ भी मेरा शोर वहाँ है, यारों के लिए हम तो जान लुटा दे, तेरी नजर वालों की हस्ती मिटा दे, जो भी चाहे हम तो वो करके दिखा दे। नारे 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 ना नारे बाबा, नारे 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 बाबा। जिसमें दम हो यहाँ आके सामने हमसे मिले, अपने बाजुओं पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, बाकी अपने साथ ऊपर वाला बेस्ट फ्रेंड है, माने हम न हार अपनी वो रफ्तार, बुरी आदत है बड़ी जीतने की हमको यार, माने हम न हार अपनी वो रफ्तार, बुरी आदत है बड़ी जीतने की हमको यार। नारे 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 ना नारे बाबा, दुश्मनों के दिल दहलते हैं, मरने से कभी हम ना डरते हैं, देख के हमको दुश्मनों के दिल दहलते हैं। नारे 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 ना नारे बाबा, नारे 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 बाबा, मेरे जैसा कोई ना और यहाँ है, जाऊँ मैं जहाँ भी मेरा शोर वहाँ है, यारों के लिए हमको जान लुटा दे, तेरी नजर वालों की हस्ती मिटा दे, जो भी चाहे हम तो वो करके दिखा दे। नारे नारे ना नारे बाबा, नारे 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 बाबा, दिलदारों का दिलदार हूँ मैं, दुश्मनों के लिए तलवार हूँ मैं। अच्छी तरह से पढ़ना, खूब नाम कमाना और बड़ा आदमी बनना। इसको पढ़ने के लिए क्यों भेज रही हो? ये पढ़ लिख कर कौन सा बड़ा लाट साहब बनने वाला है? मैं पढ़ लिख कर कलर टीवी खरीदूंगा पिताजी। ठीक बोला मेरे बेटे, और तुझे क्या तकलीफ हो रही है? हा? जो भी कहेगा मुन्ना कहेगा। ये बीच में मुन्ना कौन बोलने वाला होता है? माँ सुसू। बेटा ऐसा बोलो, मुझे नंबर एक जाना है। चलो ये साइकिल की दुकान या होटल पे काम करेगा तो रोज 20 रुपए लाएगा। कितना? 20। ये ले पकड़ जा। अरे अरे जल्दी बच्चे को तैयार करो। 20 बोल रहा था ना? मैं बोल रहा था कि 10वीं तक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 20 क्लास तक पढ़ना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। करेक्ट बोला। चले चल तेरा एडमिशन करा दो, आजा। मुन्ना सुसू सोचता क्या है, कहीं पे भी धार छोड़ देना। चल। अरे संभल के गिर जाएगा। आराम से बच्चों, आराम से। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या सर? बात है? नई भर्ती? आज तक बहुत बच्चों को भर्ती कराया, उनके माँ बाप कौन है ये तक मुझे पता नहीं है। तू फीस भरता नहीं है, मैं तुझसे कुछ पूछ नहीं सकता। स्कूल को कैसे मेंटेन करे तू बता। और तुम्हारे बस्ती से जो भी बच्चे आते हैं वो टीचर की बात सुनते नहीं है, उल्टा उन्हें धमकाते हैं। धमकी? हाँ धमकी। और ऐसी वैसी धमकी नहीं, तुम्हारे बस्ती के बच्चों की वजह से पूरे स्कूल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज चौथी क्लास का टीचर नहीं आया। क्यों नहीं आया?
क्या उसको बच्चा हुआ है? नहीं सर, उसने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की ना इसलिए। तो अब क्या करे, तुम ही वो क्लास ले लो ना। देखा देखा कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे तेरे बस्ती में पानी नहीं, वैसे स्कूल में टीचर नहीं। सर इसकी शक्ल देखिए सर, इसका भविष्य अब आप ही के हाथों में है सर। अरे अरे अरे, वो देख क्या कर रहा है। ए, छोड़ूंगा नहीं तुझे। जाने दो सर, करने दो ना। खराब कर दी मेरी पूरी जिंदगी, खराब करके रख दी। आप ही उसकी जिंदगी बना सकते हैं। प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। क्या पैर पकड़ेगा मुन्ना, पिछली बार भी ऐसा ही बोला था। ये भी अगर बदमाश बन गया तो मैं सबका खून करके जेल चला जाऊंगा। सर थैंक यू सर। देखो आज के बाद कोई नया एडमिशन नहीं, पहले पुराना पैसा भरो प्लीज। Good evening everybody, welcome to MNM Miss India Contest. You can see all the pretty young ladies over here. They have come from all over India to participate in this contest. So let's see who is going to win the crown for this year, ladies and gentlemen. Miss India contest. I really love my country a lot and I want to demolish the basic elements of poverty. I love my country and my role model is Mother Teresa. Good evening to one and all. Today I'd really like to speak in my mother tongue, Hindi. Aurat ki sabse badi khoobsurti hoti hai uska nature. Prakriti insaan ko hamesha kuch na kuch deti hi rehti hai. Usi tarah aurat bhi marte dam tak kuch na kuch deti hi rehti hai. Theek usi tarah apno ko, गैरों को, अपने देश को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। खूबसूरती सही मायने में इसी को कहते हैं। The whole country is waiting for the winner. Now it's right time. Miss India winner for this year is Miss Chitra. बहुत अच्छा बोला। सब बकवास की है बकवास। इंडियन वुमेन, ट्रेडिशन, संस्कृति, ये सब बकवास करो तो ही मिस इंडिया का क्राउन मिलता है। तू कार चला। लाइटर कहाँ है? तुम लोगों को पता है मैं कैसा इंसान हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी रीजन, आई वॉन्ट द रिजल्ट्स। और अभी तक 20 दिन 18 घंटे और 24 मिनट हो चुके हैं। तुमको दिया हुआ समय पूरा हो चुका है। आफ्टर ऑल तुम लोगों को इतने बड़े शहर के अंदर 2 एकड़ जमीन नहीं मिली इतने दिनों में। 2 एकड़। ताज ग्रुप मेरे साथ पार्टनरशिप में होटल बनाने के लिए क्यों तैयार है पता है तुम लोगों को? मुझ पे भरोसा करते हैं वो। जिस तरह से मैंने तुम लोगों पर भरोसा करके नौकरी दी उसी तरह से। समय बहुत कम है, अगर मैंने उन्हें साइट नहीं दिखाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ कर लेंगे। शहर के बीच जमीन मिलना मुश्किल है सर। राजमोहन दे सकता है क्या? वो कैसे दे सकता है सर? असेंबली, पब्लिक गार्डन्स सर। ट्राई करके देखा क्या? ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। मैक्सिमम ट्राई किया सर। मैक्सिमम, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया तुमने, है ना? उतना ही ना? यस सर। तुम घर जा सकते हो सर। इसका सैलरी क्लियर करके इसे भेज दो। प्लीज सर, प्लीज सर। नो। और किन लोगों ने मैक्सिमम ट्राई किया? कम ऑन टेल मी। सर 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 सर, मैं बैंक में अपना पुराना अकाउंट क्लोज करने गया तो मुझे ये पेपर मिले सर। इसमें क्या है? जमीन के कागज है सर। इस शहर के बीचों बीच 5 एकड़ जमीन है आपकी। कहाँ?
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सर। फैंटास्टिक। आई कुडंट बिलीव हर डॉन, शी वाज लाइंग टू मी। नो मिस इंडिया मेरे सामने से जा रही है बाप। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। ए सी मिस इंडिया चित्रा इज गोइंग। शी इज मिस इंडिया? यस शी इज। शी इज फ्रॉम हैदराबाद। ओके 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 दैट्स इट स्टॉप। नो हाय हाय आई वांट 3 लाख इमीडिएटली। जी हां और बोल। Good evening. Okay, bye. Hey, चुपचाप गाड़ी चला। चल। कल से टीचर ने हमें स्कूल आने से मना किया है। क्यों? तूने हम सबका फीस नहीं भरा ना इसलिए। अरे भर देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं क्या? तू फिक्र मत कर, मैं कल आकर बात करूंगा। फीस मांगा इसके लिए फिक्र नहीं कर रहा हूँ। अरे हमारे गर्लफ्रेंड के सामने मांगा इसलिए फिक्र कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा है, गर्लफ्रेंड के सामने? तो अगर तेरी भी 3-4 गर्लफ्रेंड होती ना तो तुझे हमारा दर्द मालूम होता। चल यहाँ से। Sorry kid, that showbiz. क्या रे, आंखें बंद करके गाड़ी चला रही है? अकल है कि नहीं? अगर कहीं इसी कुछ हो जाता तो इसकी गर्लफ्रेंड को तू जवाब देती क्या? चल उतर। जाने दीजिए सर, हमें देर हो रही है। थार्ड से बैठा है और बालकन गाड़ी चला रही है? तू क्यों नहीं चलाता, शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास लाइसेंस है? लाइसेंस है? लाइसेंस निकाल। छोड़ ना यार। ए, सवाल ही नहीं, नहीं छोड़ूंगा। चलो उतर उतर। ए, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? तकलीफ क्या है तेरे को? कुछ नहीं भाई, गाड़ी लाके ठोक दी, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मैं चिल्ला दिया। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम मुझ पर चाकू से हमला करने लगो? जाने दो साहब, चाकू अंदर रख लो ना। लॉट, मैं बैंक से पैसे निकाल कर ला रही थी तो ये लोग जबरदस्ती मेरे कार में बैठ गए। और अरे बाप रे, इतने सारे पैसे? हाँ। ए, हाँ? तुम्हारी स्कूल की फीस कितनी भरनी है? 30,500। इतने से काम हो जाएगा? आजकल कॉन्वेंट की पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है ना, आपको पता? ये तो सरासर जुर्म है। ओहो, पहले तो जान जाने का डर था और अब पैसे का डर है? मतलब तुमने मेरी जान बचाई उसकी फीस है क्या? नहीं नहीं, ये तो इन बच्चों के लिए है, अपनी तो फ्री सर्विस है। ऐसे लेने से अच्छा होता कि तुम उसे मांग कर लेते। देखो मुन्ना की दो खासियतें सभी जानते हैं, एक मुन्ना किसी से कुछ मांगता नहीं है, अपना हक छीन लेता है। और दूसरी बात? वो भूल गया, जब याद आएगा तो बता दूंगा। आ जाओ बच्चों। ब्लडी पैसे ले गया स्कूल के फीस के नाम पर। चलो चलो हटो, बाजू आ जाओ। अरे टेप से नाप रहे, कबड्डी खेलेंगे क्या? ये पूरी जमीन आपकी है सर, 5 एकड़। 5 एकर्स? हाँ जी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ये सब मेरी है, माय साइट। हाँ, वो भी शहर के बीचों बीच, ऐसी साइट मिलना किस्मत की बात है। वो तो दिख ही रहा है, अच्छी तरह से नाप लो। उधर लो, उधर लो। ठीक है। ये क्या पेपर निकाल कर कार पर रख रहे हैं? ये है सर हमारा प्लान। इधर एंट्रेंस होगा, उधर पार्किंग होगा, यहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होगा सर। ये क्या अजीब अजीब लकीरें खींची हैं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पर कितनी झोपड़पट्टियाँ हैं? जनगणना करने आया हो का? ए, क्या मैं तुम्हें वैसा नजर आता हूँ? फिर ये सब क्या है? यू पीपल हैव टू वैकेट दिस प्लेस इमीडिएटली। तुम जैसे कितने लोग आए यहाँ पे? भाई यहाँ पे कोई जमीन उमीन खाली नहीं होगी। आओ चलो तुमको चाय पिलाता हूँ। चलो मुन्ना भाई, इसने इतनी जोर से मारा कि मेरी पत्ती से टूट गई। आपने मेरे दोस्त को क्यों मारा? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पे हाथ रखते तो मारते हैं क्या? हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह परसों अमेरिका गए थे, वहाँ पे बोश है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट मनमोहन जी का हाथ पकड़ा, कंधे पे हाथ रखा, टी कॉफी पी, मारा क्या? अभी परसों आपको पता है क्या हुआ था?
पड़ोसी स्टेट के होम मिनिस्टर हमारी स्टेट में आए थे और हमारी स्टेट के होम मिनिस्टर ने उनका हाथ पकड़ा, कंधे पे हाथ रखा और उनके साथ चाय कॉफी पी। उन्होंने मारा क्या? कंधे पे हाथ रखने वाले को मारते हैं? देखो ये जमीन मेरी है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। कल तक यहाँ की सारी जमीन खाली हो जानी चाहिए। नहीं। क्यों नहीं करोगे? ये जमीन हमारी है। व्हाट नॉनसेंस! वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये नॉनसेंस हरकत क्यों कर रहे हो? दादागिरी है। ये डॉक्यूमेंट्स देखो, जमीन मेरी है। इसको मारने से पहले जमीन आपकी थी पर अब नहीं, अब ये जमीन हमारी हो गई है। उससे इसका क्या संबंध है? देखो तुमने जिस हाथ से इसे मारा था ना, उस हाथ से ये जमीन हमारी हो गई। देखो बिना मतलब तुम, इससे पहले आप हमारी बात गौर से सुनो। मतलब तुम ये जमीन खाली करके नहीं जाओगे, यही ना? यही कहना है ना? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, तुम जैसे छोटे लोगों को रास्ते पे कैसे लाना है ये मुझे मालूम। दो बातें अच्छी तरह याद रखना। नंबर वन, छोटे लोगों को कभी छोटा मत समझना। नंबर टू, वो नहीं बोलूंगा, तुझे जो करना है कर ले। आपने कहा था ना सर, जो कंधे पे हाथ रखे उसे मारो। हम लोग अनपढ़ हैं, आप जाइए सर। How do you feel after becoming Miss India? I feel really good. I feel really great. And I really thank my brother for his support. I feel very, very happy that my dream has come true. Thank you. Can I take some photographs, ma'am? Oh, yeah, yeah. ये सब क्या है बहना? Photo session भैया। Miss India के daily routine के article छपवाने वाले हैं इसके लिए। क्या हुआ? मैंने सुना है कि परसों अपनी जमीन को लेकर कोई झगड़ा हुआ है। तुमने सब बता दिया क्या? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सारी बातें बताई पर ये नहीं बताया कि उसने आपको मारा। भैया आपको मारा? किसने मारा? बहुत न्यूसेंस हुआ, बहुत न्यूसेंस हुआ। स्टिल प्लीज। हाँ क्या हुआ था बताओ भैया। वहाँ पर सब मजदूर लोग रहते हैं, 200 झोपड़ा पट्टियाँ हैं। हाँ तो फिर? बोल रहे थे ऐसे बहुत पेपर वेपर देखे हैं, हमें जमीन खाली नहीं करनी है, तुम्हें जो करना है कर लो, हम किसी से नहीं डरते। सब गड़बड़ हो गया। ऐसा कौन बोल सकता है आपको? किसने मारा आपको? मुन्ना बोल के है कोई, वहाँ के लोग उसी के बल पर इतराते हैं। मुन्ना? वो कौन है भैया? उसे शूट क्यों नहीं कर दिया? उसको शूट करना इतना मामूली नहीं है भैया। अगर आपसे हैंडल नहीं होता तो मैं हैंडल करूंगा। मैं हैंडल कर लूंगा भैया, मुझे करने दो ना भैया। हमने बोला ना हम हैंडल कर लेंगे। हाँ ब्रह्मानंद, होम मिनिस्टर को फोन करो। ओके भैया, आपको जो करना है वो करो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। आपके ऊपर हाथ उठाए, छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ अरे वाह, क्या बोला, कॉम्प्लेक्स में साइट खाली करवानी। करवा देता हूँ ना, बस पुलिस फोर्स भिजवा देता हूँ, धनाधन खाली हो जाएगा। कुछ भी कर, मुझे जमीन खाली करवा के दे। हाँ मेरा काम हो जाना चाहिए। सुन, दो विस्की की बोतल भिजवा देना, शाम तक भेज दूंगा। ओके और सुन, हेलो तो जा। ओके सर। ए, तुम लोग यहाँ इस बस्ती में बरसों से रह रहे हो, धमका कर जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा करके तुम लोग आराम से रह रहे हो। अभी तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। होम मिनिस्टर का ऑर्डर है, कल सुबह 6 बजे मैं यहाँ पर फिर आऊंगा। अगर तुम लोगों ने ये जमीन खाली कर दी तो बहुत अच्छी बात है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो नुकसान तुम्हें ही होगा, सामान का भी नुकसान हो सकता है और जान का भी। इसके बाद फैसला तुम्हारा है, बहुत अच्छी तरह सोच लेना। देखे मुन्ना, आज तक तू हमें गुंडों से बचाता आया है, अब ये नई मुसीबत, अब ये पुलिस का सामना कैसा करेगा तू? मौसी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? ए, कौन सा त्योहार आने वाला है? विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी तो त्योहार मनाना चाहिए ना। त्योहार के लिए मंदिर तो होना चाहिए ना, चलो मंदिर बनाते हैं। यही यहाँ झोपड़ी में एक बुड्ढा रहा करता था, अब वो कहाँ है पता है? नहीं मालूम। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, वो कहाँ है पता है? नहीं पता।
भाई आपने बोला मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना दिया। मुन्ना मंदिर तो बन गया, अब त्योहार मनाते हैं। चलो त्योहार मनाते हैं। मंदिर त्योहार मनाने के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए पुलिस के लिए। अब तुम लोग त्योहार मना सकते हो। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं। है? ये मंदिर कहाँ से आ गया? रातों रात में मंदिर कैसे बन गया? अरे रातों रात कैसे? हाँ? मैं छोटी थी ना, हाँ? तभी से तो ये मंदिर है। अच्छा, हाँ? सच में? अरे तुम लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से 9-11 होना था। फौरन ये जगह खाली कर दो वरना लाठीचार्ज होगा। शट अप, एक एक आदमी को जगह खाली करनी पड़ेगी। चोर एक एक को मारकर भगाओ, पुलिस से पंगा लेते हो, भागो। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। मारो सबको। क्या करें? अरे हमारा मंदिर तोड़ दिया इसलिए तुम रो। वो क्यों? हमारे रोने से फायदा है, तुम रो। रो गया। मंदिर तोड़ा, हमारे विनायक का मंदिर तोड़ दिया गया। विनायक का मंदिर तोड़ा। ये देखो, ये पुलिस वाले पब्लिक पर तो अत्याचार करते थे, अब भगवान पर भी करने लगे। विनायक का क्या दोष, वो तो भगवान है। यहाँ चुपचाप बैठे थे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? हमारे विनायक को इंसाफ मिलने तक मैं भूख हड़ताल करूंगा यहीं पर। नमस्कार, बांद्रा कुर्ला में आज पुलिस ने बस्ती खाली करवाने की कोशिश की तो मंदिर पर हमला हुआ और वहाँ के लोग बगावत पर उतर आए। पुलिस के ऐसे व्यवहार पर वहाँ के लोगों को बहुत गुस्सा आया और वहाँ के निवासी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये बात असेंबली तक पहुँच गई है। ऑपोजिट पार्टी वाले इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस सारे मामले के पीछे किसी बिल्डर लॉबी का हाथ हो सकता है। इस वजह से शहर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इस पर नेता भजन लाल ने जमकर इसका विरोध भी किया है। अब हमारे संवाददाता रमाकांत आपके सामने रिपोर्ट पेश करेंगे। जय बोलो गणेश महाराज की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हम लोगों को निकाल दिया गया है और अब यहाँ भी हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। सारे देश के भक्त जमा होकर सरकार से सवाल करेंगे, क्या भगवान को भी देश में रहने की जगह नहीं है? बोलो गणेश महाराज की। बोलो गणेश महाराज की। बोलो गणेश महाराज की। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ
से उठने वाले नहीं है। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। ये सब क्या है? आप एक जिम्मेदार मंत्री के पोस्ट पर हैं, ऐसी बेहुदा हरकत क्यों की? थोड़ा फ्रेंडशिप के लिए। फ्रेंडशिप? क्या फ्रेंडशिप? देखिए, एक प्राइवेट जमीन का सरकार से क्या लेना देना? हाथ में पुलिस है, इसका मतलब जो मन में आए वही करेंगे आप? फ्रेंडशिप के लिए मैंने जरा क्या, जरा सा आपके फ्रेंडशिप की वजह से हमारी सरकार गिर जाएगी। दूसरे राज्य से लोग भी आने शुरू हो गए, सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं ना आप? हाँ, सुन रहा हूं। हाँ, वो तो सुनोगे ही आप। जाइए, सबसे पहले जाकर वो भूख हड़ताल खत्म करवाइए। बस्ती वालों के पास जाके पांव पकड़ दो या क्या करते मुझे कुछ नहीं पता। अगर कुछ नहीं कर सकते तो राजीनामा दे दो, जाओ जल्दी जाओ। सर, फ्रेंडशिप के लिए राजीनामा कैसे दे सकते हैं? जाओ, अरे पहले जाओ यहाँ से और कुछ करो। जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम बगैर खाए ही बैठे रहेंगे। भगवान पे अत्याचार किया है। पुलिस आ गई। देखो पुलिस पहुंच गई है, शुरू हो जाओ। राज, इनको हटाओ। सुविराज जरा देखो इनको क्या तकलीफ हो रही है। तो तू है मुन्ना? मैं तो सोचा कोई बहुत बड़ा लीडर होगा। मैं कहाँ लीडर हूँ सर, लीडर तो आप हैं, मैं तो लेबर हूँ। लेबर लगेगा? लेबर मतलब क्या, कोई मामूली आदमी होता है? मुझे भी यहाँ तक दौड़ा दिया। टेंट को निकाल डाल। देखा देखा, खाना नहीं खाने की वजह से कितनी डकारे आ रही हैं। अभी तक तो हम लोग पुलिस की मुर्दाबाद कर रहे हैं, अगर तुमने हमारी बातें नहीं सुनी ना तो होम मिनिस्टर मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देंगे, फिर डकार तुम्हें आएगी। सुविराज, ये इसको क्या तकलीफ है? जरा पूछो माजी से इनको क्या तकलीफ है। मैं अपने पैसे से भगवान विनायक का पुराना पत्थर से नया मंदिर बनवाने का वादा करता हूँ। घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट भी चाहिए सर। मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहकर तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, ठीक है ना? भरोसा कर ले। क्यों किया बता। हाँ, इस माजी की कसम। चलिए सर, भरोसा किया, पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये टेंट यहीं रहेगा। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। ठीक है मुन्ना, जैसा तू चाहे वैसा कर। सुविराज, एक ग्लास नींबू का पानी लेकर आ। पहले नहीं बताया? अरे छोटी सी बात भी तुम्हें बताता रहूं क्या? अभी लेकर आए सर। अरे रहने दे, पहले माँ भवानी को संभाल। मुन्ना, भूख से पेट पे चूहे दौड़ रहे होंगे, पहले वड़ा पाव मंगा के खा ले, बाकी सारी बातें मुझ पे छोड़ डाल, मैं खड़ा होकर सब संभाल लूंगा। नमस्कार सर। अब वाइना कर ठिकाने पर। अरे सुविराज, माजी को बोल मेरा पैर छोड़े, थोड़ा संभालो इनको। ओ माजी, हटो। चलो चलो, अरे हटिए माजी। इंस्पेक्टर, इनको जरा संभालो। जाइए माजी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुविराज, चलो अंदर बैठो। सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने उस जमीन के लिए केस किया, फिर भी बस्ती वालों को मकान नंबर दिए जा रहे हैं। पर रातों रात वहाँ मंदिर किसने बनवाया? और किसने बनाया होगा? भगवान ने बनाया होगा। विनायक जी शक्तिशाली गॉड है। विनायक जी के महिमा के बारे में नहीं पूछा है आपसे। सर, एक आइडिया। जो हम 5-स्टार होटल बना रहे हैं उसमें से 50% शेयर उसको दे देते हैं। प्रॉब्लम इज सॉल्व। हाँ, और उसी होटल की ओपनिंग में आपकी भी बलि चढ़ा देते हैं। आइडिया क्या है, जल्दी बताओ। देखो बहना, आइडियाज देना बंद करो, तुम्हारे आइडियाज और इसकी बेवकूफी ने मुझे बहुत फंसाया है। अरे मैं तो खुद ही फंस गया हूँ। अब और कुछ नहीं बोलूंगी, करके दिखाऊंगी। अरे कलयुग, घोर कलयुग आ गया रे। अरे तो भगवान के घर को भी तोड़ रहे लोग, क्या करे। अरे मुन्ना कहाँ है? अंदर है मैडम। ये तो सीधा अंदर जा रही है। तुझसे बात करनी है। तो करो ना। थोड़ा सा पर्सनल है। बाहर चलें।
पागल, तेरे से बात करनी है। अच्छा बोलो। ए, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बोला ना पर्सनल है। खिड़की भी बंद कर दो। हाँ। इसने तो खिड़की भी बंद कर दिया। कपड़े उतारना क्यों शुरू कर दिए? गर्मी लग रही है, यहाँ पर एसी भी नहीं है। मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात करूँ तो तुझ पे दिल आ गया है मुन्ना। रोज रोज हालत बिगड़ती जा रही है मेरी। आज ही पता चला कि मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। क्या बोला? यही कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। मिस इंडिया के इतने बुरे दिन आ गए। तू चाहे कुछ भी समझ ले, मैं तुझसे शादी करूंगी। शादी? शादी से मुझे बहुत डर लगता है। जिंदगी भर तो क्या, चार दिन के लिए भी तुम्हें अपने पास रखने की कैपेसिटी नहीं है मेरी। मुझे माफ कर दो। शादी करेगा कि नहीं? नहीं। ऐसे मत दी, ऐसे देखी प्रॉब्लम में डाल दिया। ए, मैं तो नहीं, लगता है तू कुछ करने वाली है। मैं क्या बोल रही हूँ जरा सुन तो। नहीं सुनूंगा। मुझसे नजरें झुका कर बात किया कर। मेरा देखने का स्टाइल यही है, क्या करूँ। लास्ट एंड फाइनल। थोड़ी दूर रहकर बात करो ना प्लीज। मेरे बारे में तुझे अच्छी तरह से पता नहीं। पता नहीं? अब मैं क्या करने वाली हूँ तुझे नहीं पता। अब तू क्या करने वाली है मुझे क्या पता। ये रोते हुए क्यों आ रही है? लगता है अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है। पता नहीं क्या हुआ, क्या कर रहा है मुन्ना को। ये मुन्ना क्या हुआ रे? क्या मुन्ना, ये क्या किया तूने? लड़की को प्यार से समझाना चाहिए, ऐसे कोई जबरदस्ती करता है क्या? देख बेचारी भाग गई लड़की। छे, क्या देख रहा है तू? देख रहा हूँ अभी तक पुलिस को आ जाना चाहिए था, वो आई क्यों नहीं? लो आ गई पुलिस। आ जाओ तुम्हें भी देखता हूँ। कौन है वो? किसकी मजाल है? मिस इंडिया बस्ती में आई तो तूने रेप करने की कोशिश की? कानून तेरी मुट्ठी में है क्या? मार डालूंगा तुझे, समझा? चल। सर सर सर, आपसे पर्सनल बात करनी है सर। किस लिए? सर प्लीज सर, सर आप अंदर आइए ना सर। चल सर प्लीज। चल आइए, आइए सर, आइए ना सर, कम ऑन। बोल। एक मिनट सर। किस लिए? सर जरा ठीक से खड़े होइए ना, जरा ठीक से खड़े होइए ना सर। बोलना। तेरी तो क्या, आप उन लोगों के गुलाम है? पकड़ने बोला तो पकड़ते हैं, छोड़ने बोला तो छोड़ते हैं। इसकी तो चल आपस की बात है, बाहर किसी को बताना मत। तू भी नहीं बोलना। तो अब चलें। चलो। चल। तेरी तो अंदर बुलाकर खिड़की बंद करके मुझे रिश्वत देता है साला। मतलब रिश्वत देने की कोशिश करता है। चल चल, तुझे बंद करता हूँ अंदर। चल सर। हाँ का कसूर क्या है सर? ए, मजाक समझ रहे हो तुम लोग? पिक्चर देखने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, जो वापस छोड़ूंगा इसे। चलो मूव ऐसे। योर ऑनर, ये कटघरे में खड़ा हुआ लंबा चौड़ा आदमी, घुंघराले बालों वाला मुन्ना भाई को छोटा बुलाने पर इस व्यक्ति के अंदर काम वासना जाग गई। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? एक्सट्रीमली सॉरी। जबरदस्ती एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इसलिए इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी मेरी अदालत से दरख्वास्त है। हाँ भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूं सर, ये एक लंबे चौड़े से आदमी का काम है, घुंघराले बाल वाला। ये लोग पता नहीं किस किस का नाम ले रहे हैं सर, और सारे केस मुझ पर डाले जा रहे हैं, पर मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है सर। मैं वो नहीं हूँ जो लिखा है। ऐसे हुलिया वाले आदमी ने ये जुर्म करने की कोशिश की है तो वो कोई भारतीय ही होगा ना, तो फिर तुम क्यों नहीं हो सकते? सवाल ही नहीं उठता सर, क्योंकि मैं भारतीय हूँ ही नहीं सर। मेरा देश चाइना है, मैं चाइनीज। चाइनीज तो लगता नहीं है। इस देश में पैदा हुए हो, पलकर बड़े हुए हो, और मैं भारतीय नहीं हूँ ये कहने में शर्म नहीं आती है तुम्हें? सर सर पहले मेरी बात सुनिए सर, मैं कहाँ पैदा हुआ पता नहीं, मेरा गाँव कौन सा है, माँ बाप कौन है नहीं पता सर,
हवा में पल रहा हूँ। मेरा कोई नाम रखने वाला भी नहीं है सर, कोई मुन्ना बोलता है, कोई भैया बोलता है, इसी तरह अलग अलग नाम से पुकारते हैं सर। मैं कौन हूँ किसी को पता नहीं है, पर आज मेरे देश में मुझे बेनाम के नाम से पेश किया गया है सर। फिर भी मैं हूँ और मैं भारतीय हूँ, ये मैं कैसे बोलूँ सर? मैं भारतवासी नहीं हूँ कहने से आपको कितना गुस्सा आया, तो मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए सर? मैं अपना गुस्सा किसे दिखाऊं सर? सर सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी बस्ती में रहने वाले किसी की भी पहचान नहीं है। हम शांतिनगर में रहते थे सर, वहां पर बिल्डिंग बनी तो हमें भगा दिया गया। हम लोग गणेश चौक पर चले आए, वहां से भगाए गए तो हम लोग बांद्रा कुर्ला आ गए सर। तक और कितनी दूर जाएं? हमारी पहचान नहीं है, नहीं है। हमारी जमीन नहीं है, नहीं है। वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, नहीं है। राशन कार्ड नहीं है, नहीं है। सर इतना कुछ होने के बाद भी हम भारतीय हैं सर, बोलो स्वतंत्र भारत की। पर सर आप भी भारतीय हैं, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं सर, जरा हमारे बारे में सोचिए सर। मैंने अपराध किया या नहीं ये तो मेरी पहचान मिलने के बाद ही बताऊंगा, उससे पहले मेरी पहचान तो दीजिए सर। शहरों के बीचों बीच बस्ती में रहने वाले वासियों को सरकार ने अभी तक कोई पहचान नहीं दी है, इसका मुझे अफसोस है। म्यूनिसिपलिटी अफसर्स को हुक्म दिया जाता है कि उन्हें पहचान दी जाए। मुन्ना नाम के इस व्यक्ति को अदालत जमानत मंजूर करती है और इस केस की सुनवाई अगले महीने की 28 तारीख को होगी। ये क्या हो गया? मुन्ना भाई ने हम लोगों को मकान नंबर दिलाया, इसलिए मुन्ना भाई को ससमानंद करना चाहिए। अरे ससमानंद नहीं सम्मान, ससमानंद तो बोल रहा हूँ ससमानंद। अरे ससमानंद नहीं सम्मान, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ ससमानंद सम्मान। अरे भाई हार पहना के साल उड़ा के ससमानंद तो कर दे। अरे ससमानंद नहीं भाई सम्मान। अरे ये पागल कहाँ से आ गया, इसको कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा पद्मा तू बता, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या जो ये बोल रहा है वो सही है? वही सही है। सम्मानंद सम्मान, सम्मानंद सम्मान, ससमानंद सम्मान, ससमानंद सम्मान। अरे अरे ये क्या कर रहा है, आज तू पी रहा है? मकान नंबर मिला इसी खुशी में पी रहा है। अरे मेरा बेटा खुशी में कभी नहीं पीता, ना जाने मेरे बेटे पे उस चुड़ैल ने क्या क्या इल्जाम लगा के इसे जेल भेज दिया, उसे गम में पी रहा है ना बेटा? यानी मिस इंडिया के साथ? मिस इंडिया तेरे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे मुन्ना तेरे साथ क्या गलत हुआ बता? मेरे ऊपर रेप कर डाल दिया, मैं सच में रेप कर दूंगा। वो रेप कैसा होगा पता? न भूतम न भविष्य, यानी अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं होगा और भविष्य में भी नहीं करेगा, इसके लिए मुझे इनकरेज करो। चढ़ चकले चकले जोश आया ना? अच्छा था, अब खड़ा हो जा। वाह मेरा मुन्ना क्या लग रहा है, एकदम दूल्हे राजा। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। मेरे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ऊपर झूठा कर डाला, अब मैं सच में करूंगा, देखता हूँ तो क्या करती है। मैं तेरे साथ रेप करूंगा। ए डोंट कम नियर मी, आऊंगा अब। आई विल किल यू। तेरे ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है। ज्यादा नाटक मत कर, सच में मार डालूंगी। मुझे धक्का देती है, बस बताना ना, क्या करता हूँ। डर गई, डर गई, डर मैं नहीं। झूठा रेप के जानती है? ये क्या कर रही है? छोड़ 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 छोड़, मैं तेरा रेप करूंगा, तू मुझे कोऑपरेट कर, समझी? वही तो कर रही हूँ। अरे ऐसे नहीं, पहले मेरी बात तो सुन।
मैं तेरा रेप करूंगा तो तू जोर से चिल्लाना, मुझे बचाओ। मैं नहीं चिल्लाऊंगी क्योंकि आई लव यू। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं, ये क्या कर रही है? सुनो तो, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है तुम? मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी बस्ती वालों के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। कोई है? भगवान मुझे बचा ले, छोड़ दे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। भगवान बचा लो, अरे बचाओ, कोई बचाओ, बचा लो, अरे कोई बचाओ, अरे मेरी माँ, बचाओ। चित्रा, ये क्या हो रहा है? आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन किसे, किसके साथ ये हरकत? सर, मुझे बचा लीजिए सर, उससे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। चित्रा, उसे छोड़ो। तो बता चुकी। सर, It's time to express. सर, I love you. बचा लिया सर, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे पसंद है। वो हमारी जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है। कल दहेज में वो सब कुछ मुझे ही देने वाले हो ना? Shut up. उसका नाम मत लो तुम। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इज्जत विज्जत मैं कुछ नहीं जानती। आप शादी के लिए राजी हैं? Are you mad or what? Yeah, I'm mad. Will you get us married or not? No, never. Okay. I leave this house, you and everything. Me? Yeah, I'm leaving you. Yeah. तुम मुझे छोड़कर जाओगी? प्यारे मुन्ना, क्या हुआ? अरे बाप, अरे बाप रे, बात गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? कहीं काटा क्या? काटा वाटा कुछ नहीं। हाँ, तेरी जिंदगी खराब कर दी रे। क्या हुआ? कभी कभी किसी की जिंदगी हम खराब करने जाते हैं और हमारी खुद की जिंदगी खराब हो जाती है। सही बोला रे, जिंदगी में पहली बार ऐसा होते होते बचा रहे। कुछ नहीं हुआ? नहीं। ठीक, वो देख आ गई। ए मुन्ना, भैया से झगड़ कर आ गई हूँ। वो क्यों? आज से मैं यहीं पर रहूंगी और तुझसे ही शादी करूंगी। मुन्ना, शादी? ए, मैंने तुमसे बोला ना ऐसा नहीं हो सकता। तेरे ना बोलने से क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये क्या बोल रही है? तुझे क्या करने भेजा था, तू क्या करके आया? इससे शादी करेगा? ए, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये नहीं हो सकता। ए, ज्यादा नाटक मत कर, हीरो समझता है क्या? तेरा रेंज क्या है? मेरे और तेरे स्टेटस में बहुत फर्क है। बोला ना, निकल ले यहाँ से। मुझसे शादी करेगा कि नहीं? नहीं करूँगा। एक्सक्यूज मी, यस, यहाँ कुआं कहाँ पर है? राइट में जाके लेफ्ट। थैंक्स अ लॉट। तो हम इसके लिए अपनी जान तक दे देंगे। हमें मंदिर चाहिए। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। नेता कौन है, किधर है? जल्दी बुलाओ, जाओ अंदर जाओ। ए, ए, ठीक से काट। Gloria, 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 Glo
मारने भेजा था, तुम्हें लग जाएगी, सोचा नहीं था तुम्हारे भाई ने। आइए सर, आइए आइए। हाँ, यही है वो सर, इसे अरेस्ट करो। नसीमा भाई ये देखिए, भाई टीवी देख। हाँ टीवी देख, हमला किया है, घायल चित्रा को तुरंत अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। चित्रा की हालत बहुत नाजुक है। इस हमले के लिए पुलिस ने मुन्ना को अरेस्ट किया। इस हमले पर तहकीकात जारी है, ऐसा बांसागुला के इंस्पेक्टर रामचंद्र ने कहा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। देखी नहीं जाती रे, कुछ तो बोलो मुन्ना। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ। ए, तुम लोग शांत हो जाओ, रो मत। तेरी ये हालत देखी नहीं जाती रे। चुप हो जाओ मासी। हम लोगों ने लॉयर से बात की है, हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया है। इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। ए, ये सब बोलना जरूरी है क्या अंकल? क्या बात है बेटा? मैंने पापा से छुपा कर पैसे रखे हुए हैं, अभी तक 16 रुपए जमा कर लिए हैं। अंकल लॉयर को दे देंगे। हेलो, एक मिनट। सलीम भाई आपका फोन। हे बड़े भाई बोल रहा हूँ। भाई माफ करना भाई, मैं कोई और समझा। तुमसे मिलने के लिए कोई आया है? आप लोग कौन है? तुझे इस हालत में देखेंगे कभी सोचा ही नहीं था, पर तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब हम लोग आ गए हैं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे बचाऊंगा। पर तुम हो कौन? तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा तुझे। हाँ वो जेल में है, बेल देकर बाहर निकालने के लिए 5 लाख रुपया खर्चा होगा। 5 के बदले 10 करो, लेकिन उसको बाहर लाके खत्म कर दो, जिंदा नहीं रहना चाहिए। अच्छा भाई हो जाएगा। तेरी जमानत हो गई है, साइन कर दे। बीस साल से तुझे तलाश कर रहे हैं, कहाँ है, कैसे पल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। किसने पाला हमारे मुन्ने को, किस माँ ने पाला मुझे पता नहीं, पर उस माँ को मेरा अंतर्मन से हाथ जोड़कर नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूं, मैं तुझे कभी देख भी पाऊंगा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए हैं। शंकर भैया अरे विष्णु बादशाह, बादशाह अरे बादशाह। मुन्ना किधर है? मुन्ना कहाँ है? ए, 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 शंकर भैया, अरे शंकर भैया, अरे शंकर भैया, शंकर भैया,
शंकर भैया। तू इधर है हा? और मैं काठमांडू से इधर आया हूँ, तेरे लिए आया हूँ शंकर भैया। कब से तुझे ढूंढ रहे हैं हम लोग, तेरे लिए जी रहे हैं हम, और तू यहाँ पर है। तुझे यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना यहाँ पर। तेरे पास कितनी दौलत है पता है तुझे? तेरे पिताजी तेरे लिए करोड़ों रुपया छोड़ गए। करोड़पति? मैं कब से उसे संभाल रहा हूँ, वो सब कुछ तेरा है, तेरा है। तूने कितनी तकलीफें सही होगी ये सोचकर मेरा दिल। चल यहाँ से, तेरा अपना एक घर भी है। चल चल बादशाह चल। ए, 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 ए बादशाह एक बार बोल, एक बार बोल शंकर भैया। हमारे मुन्ना को ये लोग अपने साथ लेकर कहाँ चले गए? एक अंसारी बाटली वाला और दूसरा मुकुंदम पाटिल, ये दोनों बड़े मियां के आदमी हैं, वेरी डेंजरस। उनके ऊपर थाईलैंड देश का भी केस है सर। इन गैंगस्टर लोगों को इस शहर में क्या काम है, मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए। ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? आई सस्पेक्ट सम कॉन्स्पिरेसी, आई वांट द रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स। आ बेटा इधर, ये देख, ये देख, तेरे पिताजी की कमाई हुई दौलत, काठमांडू में रहते हुए भी ये सब कुछ संभाल रहा हूं, और ये मेरा बेटा मेरी बेटी। हे, रोज काठमांडू फोन कर कर मुझे बोलता था कि सता रहा है कोई, वो यही है ना? हाँ। हे, तुझे पता है ये कौन है? हाँ? शंकर भैया का बेटा, ये सब कुछ इसी का है। मैं कमाया सोच रहा है, मैं तो बस संभाल रहा हूं। सॉरी बोल, सॉरी बोल। हे, पाँव पकड़ कर माफी मांग। आई एम सॉरी। हे मुन्ना, मुन्ना, आज तक तू जिस बस्ती के लिए लड़ रहा है वो बस्ती तेरी है। तेरे पिताजी के पैसों से वो जमीन मैंने खरीदी है। सर मैं कौन हूं सर? तू कौन, तेरे पिता कौन, ये सब बाद में। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अगर किसी को मालूम हुआ तो तेरे जान को खतरा है। मुन्ना हम काठमांडू चले? हाँ मुन्ना, तेरे लिए खतरा है, तुझे वो मार डालेंगे। कौन मारेगा मुझे? बड़े मियाँ। बड़े मियाँ कौन है? वो सब बाद में, पहले चलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, अपनों के साथ रहूंगा, इसी बस्ती में रहूंगा। उनके लिए मैं मर सकता हूँ सर? नहीं सर, वो जमीन मेरी है आपने कहा था ना, तो पेपर्स मुझे दे दीजिए सर, मैं अपनों के साथ जीना चाहता हूँ, प्लीज सर। वो बस्ती चाहिए तुझे सर? वो पेपर्स चाहिए? हाँ सर। ए पेपर्स दो, दे डाल, दे डाल। तू अपनों को आराम से जियो बोल। ए, फिर से ऐसा लगता है तेरे पिताजी मेरे सामने खड़े हैं। सर मेरे पिताजी ने क्या किया मुझे पता नहीं, पर आप जो प्यार दे रहे हैं वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह से जी रहा हूं सर उसी तरह जीने दीजिए प्लीज सर। मुझे कुछ मत बताइए, जायदाद नहीं चाहिए, कार बंगला देकर मुझे अपनों से दूर मत कीजिए सर, प्लीज सर मैं चलता हूं। मुन्ना, ए मुन्ना, तुम जा रहे हो, यहां तुम्हें कोई अपना नजर नहीं आता। मुन्ना प्लीज मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हारे पिताजी के दुश्मन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, माफिया किसी को नहीं छोड़ता। देखते हैं सर, हम भी तेरे साथ चलेंगे मुन्ना।
गई तेरी जुल्फों की नरमिया, चैन ले गई तेरी बाहों की गर्मिया, ये सांसों में खुली तेरी सांसों की मस्तिया, आ मैं डाग दूं मेरी आहों की हस्तिया। दिल तो बस चाहे तुझको, दिल तो बस मांगे तुझको, कुछ भी माने ना दिल तो, ऐसा हुआ दीवाना दिल तो। ध्यान से सुनो, जो बस्ती वाला जहां रहता है वो जमीन उसी की है। देखो ये पेपर, ये जमीन हमारी है। पेपर अंदर रख दो, जाओ।
अभी तक हमारा शहर शांत था, पर पिछले 24 घंटों में हमारा शहर बहुत बदल गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक पिछले 4 दिन के अंदर 20 खतरनाक क्रिमिनल्स मुंबई से हमारे शहर के अंदर आए हैं। पहले वो किस इरादे से आए हैं समझ में नहीं आया, पर अब मालूम पड़ा है वो सब तुम्हारे लिए आए हैं। आज ब्लास्ट हो गया है, कल अटैक हो सकता है, परसों क्या हो सकता है पता नहीं। जब तक वो तुम्हें मारेंगे नहीं, अटैक्स बंद नहीं होंगे। सर, मैंने क्या किया सर? मेरा उनसे क्या संबंध है? शंकर पहलवान के बेटे हो तुम। बड़े मियां कौन है पता है? 15 देशों का उस पर केस चल रहा है। तुम्हारे लिए उनका इस शहर में आना शहर को खतरा हो सकता है। कल न जाने कितने बेगुनाह मरेंगे, इसलिए तुम्हारी और शहर की भलाई इसी में है कि तुम इस शहर को छोड़ दो। पोजीशन ठीक होने के बाद तुम आ सकते हो। छोड़ दो, गुंडा को छोड़ दो। ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। हमारे मुन्ना ने क्या किया है बताओ? उनके लिए मैं बहुत दूर जा सकता हूं सर। That's good। सामने से जाओगे तो लोग हंगामा करेंगे, इन्हें पीछे से ले जाओ। ओके सर, इट्स ऑल राइट। मुझे कुछ शक हो रहा है। हेलो ऋषि। हाँ अच्छा बेटा, कल तक आ जाऊंगा मैं। देख नासिक जेल जा रहा हूँ मैं। हाँ कब तक पहुंच जाएंगे रे? हाँ मैं सब लेकर आऊंगा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। मेरी बेटी रूठी हुई है, आज उसका जन्मदिन है और मैं साथ नहीं, उसके ड्यूटी है ना, पुलिस ड्यूटी है ये। ए छोटू, गाड़ी आया देख। जी सर। मुन्ना, मुन्ना कुछ खा ले ना। मुझे भूख नहीं लगी सर। क्या भाई, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, पार्टी समझकर खा ले। ए उधर पानी दे रहे। आइए सर, बैठिए सर, बोलिए क्या चाहिए सर? क्या है रे? सब कुछ रेडी है सर, दाल फ्राई, रोटी, चिकन आइटम, मटन आइटम, सब कुछ रेडी है सर। जो तूने कहा है ना सब दे दे। रेडी सर। वेरी गुड, जा। उस्ताद, दाल फ्राई, रोटी, चिकन आइटम। कहाँ जा रहा है? हाथ धोने जा रहा हूँ सर। ए तू बैठ, मुन्ना जा तू। अभी तक खाना नहीं है। ए जल्दी ला रे। अबे ओ चूहे, कहाँ छुपा है? बाहर निकल।
मुन्ना क्या हुआ? क्या हुआ मुन्ना? शमशान बन गया यहां, मेरी वजह से कितने सारे लोग मारे गए, ये देखो। किस लिए? आखिर वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उन लोगों से मेरा क्या संबंध है बताओ? कौन हूं मैं? मेरे पिता कौन है? आखिर ये शंकर पहलवान कौन है? कौन है? बताता हूं, शंकर पहलवान कौन है बताता हूं। काफी साल पहले हम लोग जीने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए मुंबई गए, मजदूरी करके जी रहे थे। बिहार से जितने भी लोग आते थे वहाँ, तुम्हारे पिताजी उनके मुखिया हुआ करते थे। तुम्हारी माँ का नाम राजलक्ष्मी। इकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, छिहत्तर, सतहत्तर, अठहत्तर, उन्यासी, अस्सी, इक्यासी। साहब क्या बात है भाई? छुट्टी चाहिए साहब। क्यों भाई? स्टेशन जाना है साहब। क्यों? मेरी बहन आ रही है साहब, छोटी है ना। कहाँ से आ रही है साहब? पहली बार आ रही है, इसलिए लेने जाना पड़ेगा। ठीक है जाओ साहब, लेकिन एक शर्त है। वो तुम लोग क्या बनाते हो, वो हरा हरा पीला पीला सा पुली वाला साहब? हाँ वो कल आते आते ले आना। जरूर क्या? जाओ, चलो जाओ रे, सब काम पे जाओ, करो जाओ, जाओ काम करो, काम पे जाओ। अच्छा दोस्त, स्टेशन जाना। ठीक है। जैसे जैसे मुंबई की आबादी बढ़ रही थी, उसी तरह से गैर कानूनी काम भी बढ़ रहे थे। मुंबई शहर में एक अपराधी था बड़े मियां, बिजनेसमैन लोगों के लिए वो भाई था। भाई आइए, नीचे से मिट्टी उठा के ऊपर लेके जाइए। ये सर, भाई आयला बुला रहे ले। चलो झूठी। नमस्ते भैया। सुन, सुन गाना सुन। झूठी है सारी नगरिया। कैसा है गाना? अच्छा है। अबे मारवाड़ी, तेरा बिजनेस कैसा है? बिल्कुल डल दिख रहा है। डल दिख रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने घर का और ऑफिस का फोन नंबर क्यों चेंज कर दिया? वो बहुत रॉन्ग नंबर आ रहा था। नहीं 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 नहीं, छोड़ चुप। अच्छा हुआ इसका पिस्तौल मैंने निकाल के रखा, बहुत गुस्सा करता है, मिर्ची बहुत खाता है ना। कितना बोलता हूँ कम खाया करो, कम सुनता ही नहीं सारा बदमाश। ये कल तेरे पास आएगा, 25 लाख रेडी रखना। भैया मेरे पास उतना पैसा? 26 लाख हो जाएगा भैया। 27 लाख होगा, 28 लाख होगा, क्या चल 30 लाख तो हो गया अभी। आप लोग क्या बनाते हो यार? साहब मेरी बहन। नमस्ते जी। बहनोई जी। प्रणाम साहब। बहनोई मतलब जीजा जी साहब। ओ जीजा जी, क्या नाम है भाई तुम्हारा? अरे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। चंद्रा साहब। चंद्रा, अरे तेरा साला तो बहुत अच्छा आदमी है यार। वो नौकरी बदे। साहब भी अच्छा आदमी है। साहब इन दोनों को भी काम पे लगाना साहब। काम पे लगा देंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जा भाई आज से काम पे लग जा। शुक्रिया साहब। नमस्ते। ठीक है ठीक। बोलो पापा, बहुत अच्छी बाइक है, सिर्फ 40,000 रुपए। प्लीज पापा। बेटा रात को घर आएंगे तब बात करेंगे, अभी तुम कॉलेज जाओ। सलाम भाई। ठीक है पैसे रेडी किया? रजाक भाई इसमें 5 लाख है। भाई तो 25 बोला ना? बोला, लेकिन बाकी के पैसे एक हफ्ते में दूंगा। ए सेठ, लगता है तेरे को चर्बी चढ़ गई है। नहीं नहीं रजाक भाई, एक 5 दिन का टाइम दो। इन्हें 25 बोला ना, ज्यादा बकबक नहीं करने का, नहीं तो ठोक डालूंगा। शंकर भैया। लेकिन लेकिन क्या? मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। पैसा निकालता है कि नहीं? कौन है तू? शंकर पहलवान साहब। भैया? भैया नहीं साहब, बिहारी, बिहार वाला। जो भी है जो भी है, चल बोट निकल। अब बोल, 25 लाख या तेरी जान, बोल बोल। इनका टाइम दो सर। क्या रे, तेरे को जाने को बोला ना, चल निकल। ए तू कौन है रे? कौन है तू?
कौन है ये लोग? अंदर क्यों आ रहे हैं? क्या करना चाह रहे हो? कौन हो तुम लोग? क्या हो रहा है ये सब? देखते क्या दो इन लोगों को यहां से निकल जाने को। मैं कहता हूं निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं ही जाता हूं। मैं कहता हूं रास्ता दो, हटो। मुझको डराता है? शाणे सबको देख लूंगा भैया लोग। ए, भैया नहीं, बिहारी, बिहार वाला। फुट कौन होता है वो बोलने वाला? वो बोला और तुम लोग भाग के आ गए साले। शिट, जाओ और सबको गिर डालो। साला मुझे क्या बोला वो? बिहार वाला। कोई बिहार वाला? पियर वाला आज के बाद मुंबई में नहीं रहने का। बोल दो उसको नहीं रहने का। भगाओ सबको। साले सबके सब बिहार वाला। क्या बोला? बिहार वाला। मेरे को डराता है मुंबई में आके, मेरे को डराता है। चाहने लोग मुंबई में बिहार वाला नहीं रहने का। एक एक को मार के निकाल के भेजूंगा जल्द। साहब आपने देखा नहीं क्या? वो सारे बिहार वाले अपनी धोती उठा के इस तरह भाग रहे थे। धोती उठा के भाग गए। क्यों बताऊं आपको। कौन है? कौन है? ए चाचा, ये अंदर कैसे आ गए सब? काट डालूंगा। क्या देखता है बे? डर गया क्या साले? ए क्या समझता है अपने आप को? हाँ, हम तुझसे डर गए? हाँ, मुंबई तेरे बाप की है साला। हम नहीं डरते, समझे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। सुन सुन, पंगा मत लेना। क्या बोलता हूँ? सुन सुन, ए आज के बाद किसी बिहारी से पंगा मत लेना। क्या बोलता हूँ? काट डालूंगा साले, काट डालूंगा, समझे? हम लोगों को कमजोर मत समझना, ये देश हमारा भी है, याद रखना। ए, हम भारतीय हैं। इस देश के हर कोने में रहने का हमें भी उतना ही हक है। हम तुमसे नहीं डरते, कुछ भी कर ले। ए, भोजपुरी समझता है? नहीं समझता तो सीख ले, भोजपुरी सीख ले। हम नहीं जाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। साला बिहारी हूँ, बिहार वाला, बिहार वाला, बिहार वाला। साहब कुछ नहीं होगा साहब, क्या कर रहे हो तुम लोग? डॉक्टर को बुलाओ। Six, you're great, great, great!
देख शंकर, ये सब मेरी वजह से हुआ। अपने आप पर भरोसा रखो शंकर बेटे, ये अपने पास रखो। मार डालो उन गुंडे लोगों को, बड़े मियां को खत्म कर दो। सोचो मत शंकर, चीर दे उन बदमाश लोगों को। नहीं उठाएंगे, आपको मेरी कसम है, हम अपने बिहार वापस जाएंगे। मसीहा तू है रक्षक, तू ही सबका रखवाला है। तू कृष्ण है, तू है अर्जुन, आज का तू है राम। हर बुराई को मिटा दे, दुश्मनों की जड़ें हिला दे, जालिमों का तू मिटा दे इस धरती से नाम। सूरज आंखों में भर ले फौलाद, दिल को कर ले बंजा, तू एक जलजला। कर दे तू हर मुजरिमों को तबाह, उठा ना सके नर कोई फिर गुना। मौत ने दे सबको तू मौत बन जा, उसकी कर दे सितम की तू हो इम्तिहा। तुझ में हुनर दिखला दे तू अपनी शक्ति, अगर हर मंजिले चूमे तेरे कदम, हर मुश्किलें तोड़ दे पल में दम। है तेरे संग ये जमी और ये आसमां, धर्म युद्ध का बजा दे तू शंखनाद। आदि है तूफान है, तू बड़ा बलवान है, न्याय और इंसाफ की तू पहचान है। हर बुराई को मिटा दे, दुश्मनों की जड़ें हिला दे, जालिमों का तू मिटा दे इस धरती से नाम। राहों पे चलता चल, होगी विजय तेरी है ये अटल। जो औरों के वास्ते लड़ता है, सच मायनों में वही जीता है। गोलियों तो की ना कसू कोई परवाह, मौत भी तेरे लिए बदल देगी राह। पाप का तू नाश कर, जुर्म का सर्वनाश कर, सब तुम्हारे साथ है ये विश्वास कर। तू मसीहा तू है रक्षक, तू ही सबका रखवाला है। तू कृष्ण है, तू है अर्जुन, आज का तू है राम। हर बुराई को मिटा दे, दुश्मनों की जड़ें हिला दे, जालिमों का तू मिटा दे इस धरती से नाम। सूरज आंखों में भर ले फौलाद, दिल को कर ले बंजा, तू एक जलजला। कर दे तू हर मुजरिमों को तबाह, उठा ना सके सर कोई फिर गुना। जो मौत देते सबको तू मौत बन जा, उसकी कर दे सितम की तू वो इंतहा। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। मैंने समझा था तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा,
लेकिन उन लोगों ने तुझे लाश बनाकर भेज दिया। चिंता मत करना, सोचा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, बीबी बच्चे से लेकर पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। सोचा, तेरी जान की कसम, ये मेरा वादा रहा, वादा रहा। ए विष्णु भैया, कोई अच्छा सा नाम बताओ ना। मैं क्या रखूंगा, बादशाह रखेगा ना। ए मां, सब ठीक से करो। ये लो, चलो लाइए बच्चे को इधर दीजिए। लाइए मैं इसके कपड़े बदल। कोई बात नहीं भाभी, मैं कपड़े बदल के लाता हूँ। इसीलिए बड़े मियां तुझे मार डालेंगे, ये डर है हमें। तेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए कहता हूँ बेटा चल काठमांडू चल। हाँ मुन्ना, हम लोग काठमांडू चलते हैं। पहले ही हम शंकर भैया को खो चुके हैं, अब तुझे नहीं खोना चाहते, बात मान लो। चले जाए उस कबीले के डर से हम लोग काठमांडू चले जाए। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं शंकर पहलवान का बेटा हूँ। अगर शंकर पहलवान का बेटा होता तो क्या करता, क्या करता वो? डर कर कहीं छुपता नहीं, वो जाता, वो मुंबई जाता और वहां पर जाकर उस नीच से मिलता और मिलकर आर पार का फैसला करता। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि उस कमीने के साथ मुझे क्या सुलूक करना है। ए, मेरे साथ मुंबई कौन चल रहा है? अरे रे 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 मुन्ना, तुझमें तेरे बाप को देख रहा हूँ। हम लोग मुंबई जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम मुंबई चलेंगे, जरूर चलेंगे, और बड़े मियां को भी देख लेंगे। तू मसीहा तू है रक्षक, तू ही सबका रखवाला है, तू कृष्ण है, तू है अर्जुन, आज का तू है राम। हर बुराई को मिटा दे, दुश्मनों की जड़ें हिला दे, जालिमों का तू मिटा दे इस धरती से नाम। सूरज आंखों में भर ले फौलाद, दिल को कर ले बन जा तू एक दलदला। कर दे तू हर मुजरिमों को तबाह, उठा ना सके नर कोई फिर गुना। जो मौत देते सबको तू मौत बन जा, उसकी कर दे सितम की तू हो इम्तिहान। अरे इधर देख, बादशाह, बादशाह भाई, ये हमारे शंकर भैया का बेटा है। हाँ इधर आ। शंकर भैया का बेटा, बादशाह,
ये हमारे शंकर भैया का बेटा है। अरे देखो तुम सब लोग, ये हमारे शंकर भैया का बेटा है, ये शंकर भैया का ही बेटा है। हाँ हाँ, ये शंकर का ही बेटा है। चल मुन्ना अपने घर के अंदर चल। हाँ चल अंदर चल। आ जा मुन्ना, यहाँ पर तुम्हारे पिताजी रहते थे। ये है तुम्हारे माता पिता की तस्वीर और वो है तू। बेटा ये वही कपड़े हैं जो मरते वक्त तुम्हारे माँ बाप ने पहन रखे थे। शंकर भैया के मरने के बाद से हमारी जिंदगी नरक बन गई है। सब रोज मर मर कर जी रहे हैं यहाँ। वो बड़े मियाँ के आदमी हम लोगों का खून चूस रहे हैं। हमारी मजदूरी में से उन्हें हफ्ता चाहिए। वो डांटे मारे हम कुछ नहीं बोल सकते। अब हम ये मुंबई छोड़कर बिहार वापस भी तो नहीं जा सकते। हमारे बच्चों को जबरदस्ती लेकर गए, अगर उनकी बात हम लोग नहीं सुने तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। मुन्ना इस बस्ती के 7 साल से लेकर 15 साल के सारे लड़के उनके पास हैं। उनको लालच देकर जबरदस्ती ड्रग बिकवा रहे हैं, बंदूक देकर खून करवा रहे हैं, बस में कार में बम रखवा रहे हैं। कुछ बच्चे जो पकड़े गए वो जेल में हैं। बम ब्लास्ट में कुछ बच्चे अपाहिज भी हुए हैं। इतने सालों बाद तुम यहां आए हो, अपने पिताजी का अधूरा काम पूरा करो। हमारे बच्चे हमें वापस दिलवा दो मुन्ना। हम ये मुंबई शहर छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से। मैं इस कमीने से मिलना चाहता हूँ। तू अगर उससे मिलना चाहेगा तो नहीं मिल पाएगा, अगर वो चाहेगा तो तू मिल पाएगा। अभी वो दुबई में है। उसके परिवार वाला कोई यहाँ रहता है? हाँ, उसकी एक दूसरी बीवी है और एक बेटा भी। काम बन गया? वो हमारे बच्चों को उठा लेगा ना? हम उसके बच्चों को उठा लाएंगे, फिर वो क्या, उसका बाप भी दुबई से भागता हुआ यहां तक आएगा। भाई कौन? एक मिनट। क्या? एक मिनट। क्या है? ये रोड। हाँ ये रोड। हाय मोहिनी डार्लिंग। पापा को देखो, पापा को देखो, उधर देखो। क्या कर रही थी? बच्चों को दूध पिला रही थी ना? हाँ। कितनी बार समझाया तुम्हें अपनी फिगर का ख्याल करो, लेकिन तुम्हें अपनी फिगर की कोई चिंता है नहीं। पिला बच्चे को दूध। मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी। क्यों 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 मोहिनी डार्लिंग? क्या आप अभी तक दुबई में है? कल मेरा बर्थडे है, आप आ रहे हैं या नहीं? आई एम सॉरी, कल दुबई में बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ा डील होने वाला है, बहुत पैसा मिलने वाला है। पैसा पैसा पैसा, इतना पैसा कमा के आप क्या करेंगे? तेरे लिए डार्लिंग ताजमहल बनाना है, और उसका नाम हम ताजमहल नहीं रखेंगे, मोहिनी महल रखेंगे। तो पूरा दुनिया देखेगी ना, पूरा दुनिया देखेगी। और हम दोनों देख, देख पीछे कौन है? कौन है? कैसा है पीछे? ए, अरे अरे देख रहा, वो सिक्योरिटी को बुला, पुलिस। ए तू, तू ही है ना बड़े भैया? तेरे से बात करनी है। कहाँ है तू? दुबई में ना? आजा। बच्चे को हाथ मत लगा, बच्चे को हाथ मत, बच्चे को छोड़। ए, चिल्ला मत, साले काट डालूंगा। ए काका, क्या चाहिए तेरे को? तू चाहिए मतलब तुझे आना पड़ेगा, तेरे से बात करनी है, तब तक ये मेरे पास रहेगा। मेरा बच्चा। ए, 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 छोड़ दे। सिक्योरिटी गार्ड किधर है? ए, ए, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मार दूंगा मैं तुझे, छोड़ दो मेरे बच्चे को। Yeah.
निकल निकल तू। ए तू आ जा रे, बात करनी है तेरे से। बैठ बैठ। बोला का चाहिए तो के? ओहो भोजपुरी भी आती है? भोजपुरी समझता है? नहीं समझता तो सीख ले, भोजपुरी सीख ले। मैंने सीख लिया है। ए ए तेरा प्रॉब्लम क्या है? हाँ क्या प्रॉब्लम है? जब मैं इतना सा था तब से तू मुझे मारना चाहता है। आखिर क्यों मारने की कोशिश करना चाहता है मुझे तू? हाँ क्यों 22 साल से तू मुझे ढूंढ रहा है? हाँ अगर यही समय तूने किसी पार्टी के साथ राजनीति में दिया होता ना तो कहीं ना कहीं पे सीएम या पीएम बन गया होता। तू क्यों बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? हाँ इसलिए 20-22 साल बाद जो आज मेरे दुबई में रहते हुए मुझे इस तरह से धमका कर मुंबई में ले आया और ये सवाल पूछ रहा है तू? ये नौबत कभी ना आए इसलिए मैं तुझे बचपन में ही मारना चाहता था। तेरे बाप के साथ तुझे भी मारा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। ब्लड, मुझे पता था कि खून एक ना एक दिन रंग जरूर दिखाएगा। क्या पक्का है? ए, तेरी और मेरे पिताजी की दुश्मनी होगी पर तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इन लोगों ने मुझे बताया तब पता चला कि मैं शंकर पहलवान का बेटा हूँ। इतने लोगों की जान क्यों ले रहा है तू? हाँ मेरी बस्ती वालों ने क्या किया था? उनको क्यों मारा? पुलिस वालों को मारा? वो ढाबे में काम करने वाला मासूम बच्चा उसको भी मार डाला तुमने? ए, क्यों रे? क्यों मेरे लिए इतने लोगों की जान ले रहा है? मेरे भाई को मारा तुम लोगों ने, मेरे बड़े बेटे को तुम लोगों ने मार डाला, अब मेरे छोटे बच्चे को भी उठाया तूने, मेरे छोटे बच्चे को भी उठाया। सुन सुन सुन, अब तक क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता लेकिन आज के बाद अगर तू मेरे और बिहारी के बीच में आया ना तो समझ ले तुझे काट डालूंगा, काट डालूंगा मैं तुझे। कल सुबह 6 बजने से पहले हमारे सारे बच्चे शंकरवाड़ी में होने चाहिए। मुझसे पंगा मत ले। अभी तक तो तूने शंकर पहलवान को देखा है लेकिन तू इस मुन्ना को नहीं जानता। साला ऊपर से नीचे तक काट डालूंगा तेरे को। निकल मुन्ना, छोड़ मत, काट दे, काट डाल मुन्ना, काट डाल, छोड़ मत मुन्ना, निकल। ए तेरी तो छोड़ेंगे नहीं। ए ए कल सुबह 6 बजे तक सारे बच्चे हमारे पास होने चाहिए। हेलो, एक मिनट भाई। क्यों बे, मेरे फोन का इंतजार कर रहा है? तूने बहुत बड़ी गलती की रे मुझे जिंदा छोड़कर, बहुत बड़ी गलती की तूने। मैं अगर तेरी जगह होता तो मार डालता। तूने मुझे छोड़ दिया मगर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तेरे बच्चों को भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सुधरा ना तू। ए बेवकूफ, बच्चे कहाँ हैं? नहीं देखा अभी तक? अरे मैंने तो पार्सल भेजा नहीं देखा, एक पेटी भेजा नहीं देखा? देख ले देख ले देख ले। पेटी है? पेटी कहाँ है? देखो जल्दी जल्दी, कहाँ है पेटी? मुन्ना बच्चे को मार डालो मुन्ना, देखो विष्णु ये देख, मार डाला बच्चे को। तेरी तो ए, चुप, चुप, चुप। एक लाश को देखा तो इतना चिल्ला रहा है, है? बाकी लोगों को भी देख लेना। ए, 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 एक बात याद रखना, मैं अपने माँ बाप और बस्ती के हर इंसान की कसम खाकर कह रहा हूँ, 2 घंटे में तुझे मार डालूंगा। अगर नहीं मार पाया तो अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब तेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, सिर्फ 2 घंटे, याद रखना। गाड़ी निकालो। दुबई का टिकट रेडी है? हाँ रेडी। कितने बजे का फ्लाइट है? 11 बजे। याद रखो, 11:05 में दुबई का फ्लाइट टेक ऑफ करेगा।
11:06 में पूरी शंकरवाड़ी में बम ब्लास्ट होना चाहिए। पूरी शंकरवाड़ी ऊपर से मुझे चलती हुई देखनी है, चलती हुई। पूरी शंकरवाड़ी को शमशान बना दो समझा। बोल। वो लोग निकल गए भाई, किधर जा रहे हैं? नहीं मालूम भाई। देख 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 किधर जा रहे, देख। ए, क्या हुआ? वो लोग निकल गए। ए, चल 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 जल्दी कर, गाड़ी निकल, गाड़ी निकल। ए, ए, चलो बच्चे को ले, जल्दी चलो, जल्दी चलो, नीचे उतरो, जल्दी जल्दी। बड़े मियां दुबई जा रहे हैं मुन्ना भाई। हेलो, क्या कहा, सफारी में आ रहे हैं? हाँ ठीक है, रख दो। सुन रहे हो तुम लोग, ये रिमोट दबाऊंगा तो सारे बच्चों के साथ साथ सारा शंकरवाड़ी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग? चलो हटो, हटो पीछे, हटो हटो। तुम्हारे पांव पड़ता हूं बेटा, इन बच्चों को छोड़ दो। अपुन, अपुन को धमकी देता है, अपुन को धमकी देता है साला बिहारी लोग। वो लोग बच्चों को बम बांध कर बस्ती में लेकर आए हैं। मुन्ना, बच्चे बस्ती में पहुंच गए हैं, लेकिन उनके शरीर पर बम है। किसे फोन करा था, किसे फोन करा था? बोल, अरे वो बच्चों को बचाएगा, बच्चों को बचाएगा रे बुड्ढे। क्या वो तुम्हें आके बचाएगा? बोल, अरे वो उड़ा दूंगा, पूरी गोली उतार दूंगा। कौन बचाएगा तेरे को? नहीं भाई।
क्या है? बुलेट्स जी। फेंक तो गन, ए फेंक तो गन। अरे मारना उसको, मारना, गोली मारना, छोड़ना मत। अरे गोली मारना, गोली से मारना, बहुत मत किया उसको तुमने। मारो उसको, उड़ाओ उड़ाओ साले को, उड़ाओ उड़ाओ, मार मार। बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है तुम कभी औरत और बच्चे पर गोली नहीं चलाओगे। अपनी जान बचाने के लिए दोनों को मरवा सकता हूं, तुम्हें देखना है। चला। तू अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी और बच्चे की जान खतरे में डाल रहा है। मैंने आज तक कभी तेरे जैसा कमीना नहीं देखा। कमीना, मेरे बच्चे को मारना है, मेरे को मारना है। भैया मार उसको, मार 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 मार। ए, एक फोन करूंगा तो पूरी शंकरवाड़ी उड़ जाएगी, देखना है। कर 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 कर। तू कायर क्या बच्चों को मारने की धमकी देता है? बोल अपने आदमियों से, बोल दे तुझे अपनी जान प्यारी है तो बात कर उनसे। ए फोन उठा, चल उठा। ए बड़े मियां के आदमियों को बोलो बच्चों को छोड़ दे, नहीं तो बड़े मियां को मार डालूंगा। बोल दो उनको। मुन्ना, हमें अपने बच्चों को खोने का गम नहीं है। बच्चे बर्बाद हो इससे बेहतर है कि वो मर जाए। बड़े मियां का जुल्म और नहीं सहेंगे, मार डालो उसे। सुन, ये सुन, मार डालो मुन्ना, तड़पा तड़पा कर मार डालो। अपनी जान प्यारी है तो बोल अपने आदमियों से, बोल उनको। ए, आज हमें बड़े मियां और उनके आदमियों का कोई डर नहीं है। मार डालो उनको, खत्म कर दो उनको, मार डालो उनको। ठीक है मुन्ना। ए, हमें अपने बच्चों की जान की धमकी मत दो, अब हमें उसकी परवाह नहीं। मारो उनको। ए, अब तेरे अत्याचार हम बिहार वाले नहीं सहने वाले, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं,
बच्चे को चुप कराओ। बोलो इस आदमी के लिए मत रो, ये इस काबिल नहीं था। मत रो मत रो। बड़ा हो के अगर ये पूछे कि ये मेरा कौन था तो मत बताना, मत बताना, कभी मत बताना, कभी नहीं। ये एक नीच आदमी था, चरित्रहीन, बहुत गंदा आदमी था ये। जाओ जाओ, अच्छे से पालना इसको, ऐसा मत बनाना। जाओ जाओ। तू मसीहा तू है रक्षक, तू ही सबका रखवाला है, तू कृष्ण है, तू है अर्जुन, आज का तू है राम। हर बुराई को मिटा दे, दुश्मनों की जड़ें हिला दे, जालिमों का तू मिटा दे, इस धरती से नाम। सूरज आंखों में भर ले, फौलाद दिल को कर।